गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। ये देखो स्टार्ट हो गया ब्रेकफास्ट करने के लिए। चटनी क्या मस्त बनाया। ये देखो डोसा बनाया हम लोग। इसको ना कोंकणी में फुगी का पोहे बोलते हैं। इतना भी ठीक से नहीं बना, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। अच्छा बनाया शंकर। तुझे डोसा अच्छा लग रहा है, चटनी अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह ना दीदी आदि भी ना ब्रेकफास्ट करके गए, मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, इसलिए मैंने रेसिपी भी नहीं शूट किया। जल्दी जल्दी फर्स्ट फर्स्ट बनाया मैंने। कैसा बना? अच्छा बना। डोसा का छोड़ो, आपको चटनी का रेसिपी चाहिए तो बोलो। चटनी में बहुत अच्छा लग रहा है। ब्रेकफास्ट के बाद ना अभी निकल रहे हम लोग, थोड़ा शॉप में जाना है, कुछ सामान लेके आएंगे। और हमारा बाइक भी फ्रेंड के पास है, उसका गाड़ी हमारे पास है, तो हम एक काम करेंगे, पॉल का बाइक लेके जा रहे हैं अभी, थोड़ा शॉप में लेके जा रहे हैं। सरिता गई वहाँ पे चाबी लेने के लिए पॉल का बाइक का। सामने का ग्रीनरी देखा, कितना सुंदर दिख रहा है ना। क्लाउड भी पूरा क्लियर है और कितना सुंदर क्लाउड दिख रहा है। वाव, और सनलाइट आ गया, सूरज निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा क्लाउड हो रहा है, हवा चल रहा है, यही चल रहा है क्लाइमेट। कल थोड़ा थोड़ा बारिश गिर रहा था यहाँ पे। ये देखो हम लोग यहाँ पे आए थे ना सब्जी लेने के लिए, समाधान मिल गया। कसा था तू गाइड? कसा चल रहा तुझे डेकोरेशन? चलो इसका कसला डेकोरेशन करता तू सांग? गणेश डेकोरेशन। गणेश का जो मंडप है ना, गणेश चतुर्थी में जो मंडप लगता है उसका डेकोरेशन करता है। यहाँ थर्मोकला जो मेरे कितने हाथ तुझे था? पांच हा मेरे। ओके दादा तुम्हें एक कॉल करा। सरिता को यहाँ पे बिलिंग हो रहा है। अंकल ना एवरी टाइम हैप्पी रहता है। हेलो कर अंकल। ये भाई यहाँ पे रहते हैं। हम लोग सब्जी ले रहे हैं और यहाँ से निकलते हैं उसके बाद, ठीक है। सरिता ले रही है दूध वगैरह जो लेना है ना। हम लोग ज्यादा करके सब्जी वगैरह ना यहीं से उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें मिल जाता है कि शॉप में छोटा मोटा रहता है तो यहीं से लेके जाते हैं। कभी अगर बल्क में लेना रहता है तो मोल्डी गोवा जाते हैं या फिर बागायदार जाते हैं। वहाँ पे क्या रहता है, थोड़ा सस्ता मिलता है ये नॉर्मल से, और बाकी छोटा मोटा हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं। सरिता अपना शॉपिंग कर रही है। ये हो गया, समाधान भी यहाँ पे मिल गया आपको। अगर डेकोरेशन चाहिए ना, गणपति के पीछे जो रहता है ना थर्मोकोल का बैकग्राउंड डेकोरेशन, वो चाहिए ना, वो बंदा करता है, बहुत अच्छा करता है। उसका एक दो फोटो डाल दूंगा, आप देखो, यानी कॉन्टेक्ट नंबर भी डालता, तुमका ज्यादा ऑर्डर करूँ सकता। तो गाइस अभी मुझे खाना भी बनाना है, शॉप पर जाके आ गए। मुझे जो भी सामान कुछ खरीदना था वो लेके आ गए, और भी बाकी है वो तो मुझे नहीं मिला, पर जो भी सामान था लेके आ गई मैं। कैबेज की सब्जी बना रही हूँ, और साथ में साथ आपको भी दिखाऊंगी मेरा रेसिपी आज कैबेज का सब्जी। ये देखो मैंने यहाँ पे ना कैबेज लिया है, उसको ना मैंने पूरा बारीक एकदम स्लाइसेस से ना ग्रेट किया है, एकदम बारीक ठीक एकदम किया है। और यहाँ पे मैंने लिया एक ऑनियन, मीडियम साइज का ऑनियन बारीक चॉप किया है, दो मीडियम साइज के टमाटो, ग्रीन चिली, कड़ी पत्ता, मस्टर्ड सीड्स, हल्दी पाउडर, सॉल्ट, और ये कोकोनट थोड़ा ग्रेट करके दिया है। लास्ट टाइम मुझे कमेंट्स किया था बहुत लोगों ने, कैबेज का सब्जी मैंने बनाया था खाने में, तो फिर कमेंट आया था आप कैबेज का सब्जी भी रेसिपी दिखाओ मुझे। तो अभी मैं बना ही रही थी, सोचा आपको भी शेयर करती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे ना पैन रखा है गर्म होने के लिए, इसमें अभी मैं स्टार्टिंग डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। मेरा ऑयल गर्म हो गया है, इसमें अभी फर्स्ट जाएगा मस्टर्ड, सरसों मस्टर्ड सीड्स डालेंगे। नेक्स्ट इसमें जाएगा करी पत्ता, एंड ग्रीन चिली। ग्रीन चिली को ना अच्छे से फ्राई करेंगे। ये बहुत तीखा है ग्रीन चिली, डार्क ग्रीन चिली है। लाइट जो ग्रीन चिली रहता है ना वो थोड़ा तीखा नहीं रहता है, ये ना एकदम डार्क ग्रीन चिली है, बहुत तीखा रहता है। इसे मैंने थोड़ा सा लिया और इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। फ्राई करने से ये क्या होता है ना, तीखापन थोड़ा कम हो जाता है। डायरेक्टली बॉयल करते वक्त डाल दी यार तो ये बहुत तीखा हो जाएगा, और इसलिए मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करके ले रही हूँ। ये मेरा हो गया फ्राई, इसमें अभी मैं ऐड करूँगी ऑनियन। मेरे को ऑनियन को भी अच्छे से फ्राई करना है मुझे, एकदम ट्रांसपेरेंट कलर आना चाहिए इसको। एकदम ट्रांसपेरेंट कलर आ गया मेरा ऑनियन को, अच्छा फ्राई हो गया। इसमें अभी ऐड करेंगे टमाटो क्यूब्स। ये मैंने दो टमाटो लिया, एकदम रेड रेड टमाटो, इसको मैंने मीडियम साइज में कट किया है। और टमाटो ऐड किया ना तो फिर आपका ना जो कैबेज की सब्जी ना बहुत टेस्टी बनता है। पहले पहले ना मैं टमाटो ऐड नहीं करती थी कैबेज की सब्जी को, मैंने एक बार टमाटो ऐड किया, बहुत अच्छा टेस्टी बनता है सब्जी। सबसे मैं टमाटो ऐड कर रही हूँ। ये देखो टमाटो थोड़ा फ्राई करेंगे इसको, और ये कैबेज को ना मैं एकदम बारीक कट करके उसको अच्छे से धो के रखा था। आप देख सकते हैं कितना बारीक कट किया मैंने, इसको ना पानी की भी ज़रूरत नहीं है इसको बॉयल होने के लिए, ये अपने आप ना स्टीम से बॉयल हो जाएगा। इसके साथ ही अभी डालेंगे इसमें कैबेज, इसमें जाएगा अभी कैबेज, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सब मिला के।
सब टमाटर ऑनियन भी सब मिलाएंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। देखो इसको मैंने अच्छे तरह से सब मिक्स किया है। अभी साथ में इसको अभी थोड़ा सा नमक डालेंगे, टेस्ट वाइज सॉल्ट, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अभी फिर से इसको अच्छा सा मिक्स करके कवर करके रखना है। इसमें ना मैं थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आपने अगर मोटा मोटा कट किया होता ना कैबेज तो फिर आपको पानी की ज़रूरत पड़ती थी, पर मैंने एकदम बारीक कट किया है और इसको कैबेज को, इसे मैं पानी ऐड नहीं करूँगी इसमें। और इसका टमाटो का थोड़ा स्मैश होके पानी छूटेगा, थोड़ा सा ऑयल भी था इसमें मैंने जो तड़के के लिए यूज़ किया था, इससे ही ना ये स्टीम से ही फ्राई हो जाएगा भाजी। इसको भी थोड़ा टाइम के लिए ना कवर करके रखेंगे ताकि ये अच्छा सा ना स्टीम से ही बॉयल हो जाएगा सब्जी। कवर करके रखा ना, इसमें मैंने थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं किया, ऐसे अपने आप ही बॉयल हो जाएगा ये सब्जी। तो फिर सब बॉयल होने के बाद मैं कोकोनट ऐड करूँगी, बाद में मेरा सब्जी रेडी है। और मुझे अभी ना मैंने कोकोनट का मतलब ग्राइंड मसाला किया है, उसमें मैं अभी शेंगा और पटेटो रखे वो करी बनाऊंगी। तो फिर ये आज का मेरा कैबेज का सब्जी। ऐसे बहुत लोग ना कैबेज का सब्जी अलग अलग स्टाइल से बनाते हैं, थोड़े लोग मटर भी डाल के बनाते हैं, थोड़े लोग ना नॉर्मल मतलब कैबेज ग्रीन चिली हल्दी पाउडर ऐसे पानी में डाल के ऑनियन भी डाल के नॉर्मल बॉयल करते हैं। एक्चुअली बॉयल सब्जी भी अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। ये तो मेरा स्टाइल था, आप भी कमेंट करना आपका कैबेज का सब्जी आप कैसे बनाते हो, और मैं नेक्स्ट टाइम आपके स्टाइल से भी सब्जी बनाऊंगी। ये तो मेरा स्टाइल था, आपका अगर पसंद आया तो वो भी कमेंट करना। तो फिर यहाँ पे मेरा खाना रेडी है, अंदर जाके देखती हूँ फ्रांसिस और शंकर क्या कर रहे हैं। इनको देखते हुए लोग क्या कर रहे हैं अंदर। ये तो आप लोग को यहाँ ही मिलेंगे। हुआ हुआ हो रहा है मेरा भी खाना हो रहा है। हेलो गाइस, हेलो गाइस। शंकर आज ये साइड में और फ्रांसिस उस साइड में। शंकर ने एडिट करके रेडी किया है, मैं उसको थोड़ा सा फाइनल कर रहा हूँ। ओके ओके हो गया है। ये हमारा एडिट चल रहा है दूध सागर वाला वीडियो है ना। हाँ। दूध सागर वाला हमने दो वीडियो बनाया है, एक पूरा इन्फॉर्मेटिव है अगर दूसरे चैनल में जाएगा, ये जो वीडियो है ये पूरा टाइम पास है हमारे चैनल पे जाएगा। तू क्या कर रहा है? मैं खाना बना रही हूँ। क्या बन रहा है? वेज, प्योर वेज। संडे हो के भी वेज? अभी वेज ही खाना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं है। ओके सहलेंगे थोड़ा सा। सहलेंगे मतलब वेज भी अच्छा रहता है आपके लिए। सहलेंगे शंकर बोला, सहलेंगे तो सहलेंगे। मैं तेरा लास्ट वीडियो में देख रहा कमेंट, फ्रांसिस तू तो क्रिश्चियन है, तू भी ये रखता है रावण? हम लोग नहीं रखते, इसको भी नहीं लगता है, मुझे भी नहीं लगता। हम सब खाते हैं, हम रावण है। रावण है तुम लोग। पर एक कंडीशन में, अगर हमको इस दौरान चिकन या फिर अंडा कुछ खाना है तो खुद को करना पड़ेगा और खाना पड़ेगा, और बर्तन भी खुद धोना पड़ेगा। नहीं नहीं और नहीं कर रहे इतना है जी। और हमारा मीकू डार्लिंग क्या कर रही है? मीकू डार्लिंग को भी दिखाती हूँ आप लोग को, मीकू क्या कर रही है। हमारी मीकू का तो ये प्लेस ही यहाँ पे है। आज ना राउंड मार के सोई है हमारे मीकू लाफिंग बुद्धा के साथ। ये मीकू की तरह दिख रहा है ना, ये देखा मैं कैमरा लेके आई ना, थोड़ा आग उठा के देख रहे मुझे मीकू। ए आ जाना तो जागे हमारा ना, तो स्टाइल मारना का। ये देखो मैं आई ना, थोड़ा दिखा तो थोड़ा आग का खुला था उसका, अभी फिर से बंद गया। ए मीकू से स्टाइल मारना का, उठ तो उठो उठो उठना ना। ओके ओके यहाँ पे मैंने सब्जी कवर करके रखा था। ये देखो वाह हो गया मेरा सब्जी भी रेडी। यहाँ पे ऐसे सब्जी बनाओगे ना तो जल्दी भी बनता है, नहीं तो पानी भी डाला ना तो बहुत टाइम लगता है इसको। अब इसमें लास्ट जाएगा मेरा कोकोनट, मैंने थोड़ा सा लिया है इसको, कोकोनट से ग्रेट कर किया था, वो भी गार्निशिंग करेंगे लास्ट। और कैबेज का भाजी मेरा रेडी है, 5 मिनट्स के लिए इसको थोड़ा भी कवर करके रखेंगे। तो फिर मेरा खाना रेडी है यहाँ पे फाइनल ना। कैबेज को ना हरा धनिया जो कोतम्बर रहता है ना, ये मैंने गार्निशिंग किया है, इससे ना टेस्ट और भी अच्छा बनता है। ये मेरा यहाँ पे कैबेज का भाजी भी रेडी है, और साइड बाय साइड यहाँ मेरा करी भी रेडी है। शेंगा टमाटर डाल के ना नॉर्मल करी बनाया आज यहाँ पे, ये भी रेडी है। यहाँ पे देखो हमारा वेज थाली यहाँ पर रेडी है। फ्रांसिस और शंकर मैं कब से बुला रहा हूँ, अरे जल्दी आओ खाने के लिए, मुझे भी भूख लगा है पर नहीं आ रहे। देखो कब से यहाँ ही रुके हैं ये लोग को, देखो कब से बुला रहे, प्लेट लगाया खाना खाने के लिए, नहीं आना है। फ्रांसिस का शायद उपवास है। ए योर है बिगिन यो, चल शंकर आ जा तू। हाँ। चल खाएंगे, उसको रहने दो, हम लोग खाएंगे।